कैन एंड ये आप हम लोग के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं एंड स्पॉटलाइट होते ही हम लोग आपका आंसर भी दे देंगे. सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन. जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं आज उनको मेरी तरफ से एकदम गहराई दिल से वेलकम एंड जो लोग हर रोज जुड़ते हैं उनको भी मेरी तरफ से वेलकम. सो मैं हूँ अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. आज आप लोग के सामने कुछ अलग सा कुछ अनोखा एक टॉपिक लेके, क्योंकि टॉपिक आप लोगों के पास ऑलरेडी शेयर हो चुका है कि हाउ टू रिपेयर द डैमेज्ड हेयर. सो इट्स आवर टॉपिक टुडे. सो आप लोग एंड तक रहिए एंड आई होप कि ये वेबिनार कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. आप लोग सभी लोग म्यूट हो, आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, बट यू कैन इंटरेक्ट विथ आस थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाई रेजिंग हैंड, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन एक वेबिनार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड इन तक जो पर्सन उनका वीडियोस को सही तरीके से ऑन रखेंगे उनको हम लोग स्पॉटलाइट करेंगे. एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप स्पॉटलाइट होके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड आंसर भी हम लोग वही टाइम में स्पॉटलाइट होके आप लोगों के सामने देंगे. इसीलिए एकदम जल्दी से हम लोग का जो वेबिनार है उसमें हम लोग चले जाते हैं. आज का जो मेन टॉपिक, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ, आज का जो मेन टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक, क्योंकि ये जो एक चीज है रिपेयर योर डैमेज्ड हेयर, मतलब अभी ये जो एक कहानी अगर मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी डैमेज हेयर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सभी में है. नॉट ओनली दैट कि ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर एज में होता है या फिर ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर रेंज में होता है, ऐसा नहीं है, ये सभी का होता है एंड सभी का ये एक प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है. ये कॉमन प्रॉब्लम को हम लोगों को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे हम लोग हटाएंगे एंड हाउ कैन वी गेट द सोल्यूशन फ्रॉम सॉल्यूशन टू रिपेयर आवर डैमेज हेयर. अभी ये जो एक पॉइंट है, अभी ये डैमेज्ड हेयर कैसे हो रहा है, कैन यू गिव मी अ आंसर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये हेयर के बारे में बहुत बार वेबिनार हो चुका है, बहुत सारे मीटिंग्स आप लोगों को मिल चुके हैं. कैन यू जस्ट आंसर मी फर्स्ट कि ये डैमेज हेयर होने के पीछे रीजन क्या है? What are the reasons for today's damaging your hair? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए कि इसमें मतलब क्या रीजंस आप लोगों के दिमाग में आ रहा है जिससे हम लोग का हेयर डैमेज हो रहा है. सो कैन आई गेट एनी आंसर्स अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स? आप लोग जल्द से जल्द टाइप कीजिए कि ऐसा क्या हो सकता है जो हम लोगों के लिए, अभी हम लोगों का हेयर के लिए ये डैमेज कर रहे हैं एंड द रीजन बिहाइंड आवर हेयर डैमेजिंग. ओके, प्रोटीन की कमी, पॉल्यूशन, पानी की कमी. ओके, बहुत सारा आंसर्स आ रहे हैं. अलग अलग शैम्पू. ओके, वेरी गुड आंसर. डैंड्रफ. ओके, सो आप लोग बहुत जल्द से जल्द टाइप, मतलब इतना जल्दी आप लोग टाइप कैसे कर लेते हैं मैं ये सोचती हूँ. मोर ब्रेन में प्रेशर. ओके, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी. प्रोटीन इज अ वेरी कॉमन मैसेज दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. ओके, मानसिक प्रॉब्लम. यस, इट कैन बी अ वेरी गुड रीजन. सो कलर डाई. ओके, अ वेरी गुड रीजन. डैंड्रफ. ओके, सो विटामिन्स की कमी डेफिनेटली. आप लोगों के पास जितने सारे आप लोगों के पास से आंसर आ रहा है, सो इट्स ऑल वेरी क्लियर कि क्यों डैमेज हो रहा है, ये आप सभी के पास इंफॉर्मेशन है. अभी हम लोग टोटली मूव ऑन करते हैं कि हम लोग के ये व्हाट इज हेयर डैमेज, ये डैमेज हेयर होता क्या है, इसमें हम लोग चले जाते हैं. जैसे कि डैमेज हेयर जब भी हम लोग बोलते हैं तो एक चीज सभी के दिमाग में आ जाते हैं कि स्प्लिट एंड्स.
लेकिन इट्स नॉट ओनली द रीजन आपके डैमेज्ड हेयर बनाने के लिए, स्प्लिट एंड्स सिर्फ एक रीजन नहीं है. हाँ, स्प्लिट एंड्स इज अ रीजन, लेकिन इसके साथ भी जो मेन चीज है, ये हम लोग का जो हेयर कटिकल मतलब हेयर का जो अपर लेयर होता है, जो आउटर कोट्स लेयर होता है हेयर का, सो ये डैमेज हो जाता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है, इससे केराटिन रिमूव हो जाता है. यानी कि जैसे कि आप लोग ऑलरेडी कमेंट्स में बता चुके हैं कि प्रोटीन की कमी, विटामिंस की कमी, या डेफिनेटली सो प्रोटीन की कमी, यानी कि केराटिन अगर हम लोग का चला जाता है हेयर से, तो हम लोग का हेयर कटिकल टोटली डैमेज हो जाता है. एंड ये ब्रेकेज होता है, हम लोग का हेयर बीच बीच से टूट जाता है, एंड हेयर फ्रीजी हो जाता है, हेयर में कोई मॉइस्चर रिटेन नहीं रहता है. सो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज. तो ऑन दैट सिचुएशन वी कॉल कि हम लोगों का हेयर डैमेज हो चुका है. सो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्प्लिट एंड्स रहने से ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का हेयर डैमेज है. हम लोग का हेयर डैमेज तब बोलेंगे हम लोग जब हम लोग का हेयर का कटिकल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टोटली मतलब उसका जो मॉइस्चर कंटेन है, उसका जो हेल्दी लुक है, वो जब टोटली एक रिस्क में चले जाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ अभी हम लोग का हेयर टोटली डैमेज हो चुका है, क्योंकि अभी ये हम लोग कोई भी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे. जहां पे भी जो कुछ भी डाल रहे हैं वो फ्रिजी दिख रहा है, डल दिख रहा है, रफ दिख रहा है. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन वी कैन से कि आवर हेयर इज एट रिस्क, यानी कि हम लोगों का हेयर डैमेज हो चुका है. सो अभी जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि हेयर डैमेज का रीजन क्या हो सकता है. सो या डेफिनेटली डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशियंसी ऑफ विटामिंस. अलोंग विद दैट, अगर मैं एक बात बोलूंगी आप लोगों के साथ, एक बात शेयर करूंगी, सो एक जो नॉर्मल एक रीजन होता है दैट इज पॉल्यूशन. आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर किए थे, सो या डेफिनेटली इट्स अ रीजन दैट इज पॉल्यूशन. एंड बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सन एक्सपोजर. नॉट ओनली दैट, हम लोग का डाइट जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग का खान पीन का जो रूटीन है, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन. अगर आप लोगों को ये डिटेल्स में देखना है, अगर कोई लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, सो अगर आप लोग डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू अवर यूट्यूब लिंक. सो अब हम लोग का यूट्यूब में आप लोग जा सकते हैं, यूट्यूब में सब डाला हुआ है. सो वहाँ पे जो हेयर की रिलेटेड जो वेबिनार डिटेल्स में हुआ है, वहां पे आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे. सो अभी हम लोग चले जाते हैं कि व्हाट एक सवाल, जैसे कि हम लोगों का आज टॉपिक है हाउ वी कैन रिपेयर आवर डैमेज्ड हेयर. सो अभी मैं आप लोगों के पास एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ. सो कैन यू रियली गो फ्रॉम ड्राई ब्रिटल हेयर टू अ स्मूथ शाइनी लॉक्स? मतलब आप लोग क्या, मतलब आप लोग ये मानते हैं कि आज के बाद, यानी कि आज के वेबिनार के बाद, आप लोगों का जो ड्राई हेयर या फिर ब्रिटल हेयर, फ्रीजी हेयर है, और उससे आप लोग टर्न कर सकते हैं एक स्मूथ एंड शाइनी हेयर में? क्या आप लोगों को लगता है कि आज के बाद, आज ये वेबिनार के बाद, यानी कि एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग का हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बना सकते हैं? ओके, यस, डेफिनेटली. सो यस, बहुत सारे यस आ रहा है. सो या डेफिनेटली, सो वी कैन रियली गो फ्रॉम ड्राई ब्रिटल हेयर टू अ स्मूथ एंड शाइनी हेयर. सो कैसे, वो हम लोग कैसे जाएंगे इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे. सो वहां पे एक ही आंसर है एक्चुअली. व्हाट वी डू, मतलब हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे कि आप लोगों में से एक मैसेज और भी आया था कि डिफरेंट, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज, या डेफिनेटली दैट्स आल्सो अ रीजन. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग का हेयर डैमेज हो जाता है तो वी गॉट स्ट्रेस्ड, क्योंकि अभी डैमेज हो चुका है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ऑयल भी दे रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है, हेयर डैमेज हो चुका है, हेयर में कुछ भी स्टाइल करते हैं तो वो सही नहीं लगता है, तो we get stressed. So अभी इसका एक ही answer है. Actually it will get cured, लेकिन इसका एक proper time चाहिए.
ये जो हम लोग का ड्राई हो रहा है हेयर, हम लोग का मतलब हेयर फ्रीजी हो रहा है, हेयर ब्रेकआउट हो रहा है, हेयर बीच बीच से टूट जा रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, तो ये सभी को मेंटेन करने के लिए एक सडन टाइम चाहिए. सो वी हैव टू गिव दैट टाइम. तो अभी ये टाइम देना चाहिए एंड उसके साथ प्रॉपर प्रिकॉशन हम लोग कैसे लेंगे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग का हेयर को सही रखेंगे. तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर केयर, एक प्रिकॉशंस, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना है टू प्रिवेंट न्यू डैमेजेस. लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नया डैमेज जो होने वाले हैं, यानी कि नया डैमेजेस जो आने वाले हैं, उससे हम लोग प्रोटेक्टेड रख सकते हैं हम लोग के हेयर को. यानी कि हम लोग एक फिक्स्ड यानी कि टारगेटेड एक, अगर मैं बताऊंगी, एक ट्रीटमेंट या फिर एक रूटीन अगर हम लोग डालेंगे हर रोज हम लोग के हेयर पे, तो हम लोग का जो हेयर का कर्टिकल है वो रिस्टोर हो जाएंगे एंड इट विल बिगिन टू इम्प्रूव योर हेयर लेंथ, योर हेयर का जो शाइन है, हेयर का जो स्मूथनेस है, हेयर का जो लस्टर है, वो और भी इम्प्रूव करेंगे एंड उसके साथ हम लोग का हेयर का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो भी धीरे धीरे घटने लगेंगे. सो अभी हम लोग के पास एक ही चीज है, एक ही हम लोग वे है हम लोग के पास कि हम लोग को प्रॉपर एक रूटीन मेंटेन करना है, क्योंकि हेयर इज ऑल अबाउट डेड स्किन सेल्स. आप लोगों को तो पता ही है कि ये टोटली अ कलेक्शन ऑफ डेड स्किन सेल्स, तो ये ऑलरेडी डैमेज्ड है, ये डैमेज्ड चीज है, लेकिन ये डैमेज्ड चीज को हम लोग को प्रॉपर वे में मैन्युअली हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ये जो डैमेज हम लोग का हो रहा है इससे हम लोग प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. सो वो कैसे रहेंगे हम लोग, इसी के बारे में आज का वेबिनार है. सो बहुत सारे रीजन की वजह से तो हम लोग का हेयर डैमेज हो रहा है, ये सभी को पता है. स्ट्रेस, एंजाइटी, दैट ऑल्सो कैन बी अ रीजन. लेकिन अभी क्या मिस्टेक, मतलब कितने हम लोग लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे आप लोग भी मिस्टेक्स करते हैं, हम लोग भी मिस्टेक्स करते हैं. सो अभी क्या मिस्टेक, मतलब ऐसा मैं 9 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप लोग करते हैं, जो आप सभी लोग यानी कि हम लोग करते हैं टू आवर हेयर. लेकिन आज से वो मतलब 9 मिस्टेक्स को स्टॉप करना है अगर हम लोग के हेयर ग्रोथ को सही रखना है या फिर हेयर को सही रखना है. सो व्हाट आर दैट 9 मिस्टेक्स दैट वी ऑल डू एंड वी हैव टू स्टॉप इट. सो आज के बाद ये जो गलती हम लोग करते थे, आज के बाद आई थिंक ये स्टॉप हो जाएगा. सो वो गलती क्या है ये देख लेते हैं. सो फर्स्ट, यू आर वॉशिंग योर हेयर टू ऑफन और नॉट ऑफन इनफ. यानी कि कोई कोई लोग तो ऐसा है जो हर रोज शैम्पू करते हैं, और यहाँ पे कोई कोई लोग ऐसा भी है जो मतलब हफ्ते में एक दिन भी शैम्पू नहीं करते हैं, 10 दिन 12 दिन या फिर महीने में 2-3 दिन शैम्पू करते हैं. सो ये दो ही चीज कहीं ना कहीं गलत है. मतलब टू ऑफन शैम्पू करना भी गलत है, और यानी कि नॉट ऑफन इनफ वो भी गलत है. So we have to maintain our proper routine. So ये एक बहुत ही बढ़िया mistake and the first mistake हम लोग करते हैं. मतलब यहाँ पे अगर जितने लोग आज सुन रहे हैं मेरे को, so आप लोगों के पास अगर मैं पूछूंगी ये सवाल कि ये जो proper routine होता है shampoo का, तो आप लोग क्या मेंटेन करते हैं? So I can say कि 50% मेंटेन करते हैं, लेकिन 50% ही मेंटेन नहीं करते हैं. So, ये जो शैम्पू हम लोग कैसे करेंगे या फिर शैम्पू हम लोग कब करेंगे, ये रूटीन मेंटेन होना सबसे जरूरी है, और ये एक बहुत ही बढ़िया मिस्टेक है जो हम सभी लोग करते हैं. इसके बाद आ जाते हैं, हम लोग राइट शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आप लोग खुद बताएं कि या वी आर नॉट यूजिंग द राइट शैम्पू. हम लोग को जब भी जो ही शैम्पू दिखते हैं हम लोग वही शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं, एज वी थिंक कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो सही है हम लोग के लिए, बट इट्स नॉट दैट ट्रू. हम लोग के लिए सही प्रोडक्ट को चुनना इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट्स फॉर अवर राइट हेयर. सो अभी ये शैम्पू चुनने के टाइम भी हम लोग गलती करते हैं कि इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी ऑल डू. इसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग के स्कैल्प को नेग्लेक्ट करते हैं. डेफिनेटली यू ऑल नेग्लेक्ट योर स्कैल्प, क्योंकि
ऑयल या फिर हम लोग की प्रॉपर जो स्कैल्प का केयर है वो हम लोग नहीं करते हैं। अगर मैं ऑयल का बात करूंगी, मैं जितना भी वेबिनार में बताऊं ये ऑयल के बारे में, लेकिन देन ऑल्सो 70% लोग अगर ऑयल यूज करते हैं 30% नहीं करते हैं। सो अभी ये 30% लोग दे आर नेग्लेक्टिंग देयर स्कैल्प। सो अभी ये स्कैल्प को नेग्लेक्ट करना इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी ऑल डू, और यही से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होता है। यही से हम लोग का मतलब 50% प्रॉब्लम्स यही से स्टार्ट होता है, एंड अलोंग विद दैट बाहर का जितने सारे प्रॉब्लम्स है। सो अभी नेक्स्ट मिस्टेक, यू आर टू रफ व्हेन योर हेयर इज वेट। यानी कि हम लोग सभी लोग जब हम लोग का बाल भीगे रहते हैं, यानी कि आफ्टर शैम्पू और आफ्टर हम लोग जब नहाने के बाद हम लोग आते हैं, तो तब हम लोग के हेयर के साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर मतलब हम लोग बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे ही जस्ट हम लोग हेयर को रफ कर लेते हैं, हेयर को कॉम कर लेते हैं व्हेन इट वाज वेट, लेकिन ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों का हेयर का जो स्ट्रेंथ है, हेयर का जो वॉल्यूम है, ये और भी घटेंगे और ये सही तरीका नहीं है। सो हम लोग का जब हेयर वेट रहता है, बहुत लोग तो ऐसे भी है कि जस्ट दे टेक अ टॉवल एंड वो ऐसे रगड़ते हैं हेयर को कि मतलब वो रगड़ने से ही वो ड्राई हो जाएगा। सो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हम लोग का जो वेट हेयर है तब हम लोग को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसको एक रफ यानी कि एक हर्ष फील दे। सो हम लोग थोड़ा टाइम देंगे आफ्टर शैम्पू टू गेट इट ड्राई। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉम लेके कॉमिंग करेंगे या फिर टॉवल लेके उसको रफ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी ऑल डू। रेगुलरली वेयरिंग टाइट हेयर स्टाइल, या इट्स फॉर अ लेडीज, मतलब ये पॉइंट लेडीज लोगों के लिए है। जो लोग टाइट हेयर स्टाइल करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मिस्टेक है, लेकिन अगर मैं जेंट्स लोगों का बात करूंगी, सो ऑल द टाइम्स स्पाइक्स, ऑल द टाइम्स यूजिंग जेल एंड मोर ओवर प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन मिस्टेक ऑल मेन्स डू। सो ये जेंट्स लोगों के लिए भी हेयर स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद और एक जो कॉमन मिस्टेक है, नॉट यूजिंग हीट प्रोटेक्टेंट। हम लोग हीट अप्लायंसेस यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन हीट प्रोटेक्टेंट यूज नहीं करते हैं। सो आफ्टर दैट वन मोर मिस्टेक, दैट इज हम लोग डीप कंडीशनिंग नहीं करते हैं हम लोग के हेयर, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कंडीशनर का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर जितने लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों के पास मेरा अगर एक सवाल रहेंगे तो आई थिंक आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि 50% लोग रेज हैंड करेंगे कि दे यूज कंडीशनर, एंड 50% लोग यूज करेंगे 50% लोग बोलेंगे कि वी डोंट यूज कंडीशनर। सो एक्चुअली लोग सोचते हैं कि कंडीशनर का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन कंडीशनर का जरूरत जरूर है। सो ये हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू आर पुटिंग कंडीशनर ऑन योर रूट, ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो कोई लोग करते हैं कि हम लोग कंडीशनर रूट में डालते हैं, और रूट में कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं डालना है। इससे हम लोग का हेयर का जो ग्रोथ है वो और कभी भी सही नहीं रहेगा और हम लोग का हेयर फॉल ज्यादा होगा। सो इसीलिए कंडीशनर रूट में कभी भी नहीं डालना है। एंड द लास्ट मिस्टेक वी ऑल डू, यू मतलब सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन विंटर के टाइम आई होप सभी लोग करते हैं। सो मतलब हम लोग गर्म पानी से हम लोग के हेयर को वॉश कर लेते हैं। So it's a very bad mistake. अगर हम लोग नहीं करते तो वो सही है, लेकिन अगर हम लोग करते हैं तो वो इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। हम लोग एकदम ही गर्म पानी यूज नहीं करेंगे हेयर के लिए। हेयर के लिए हम लोग नॉर्मल वाटर यूज करेंगे, या फिर हम लोग अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो ल्यूकुअम वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट हॉट वाटर। सो हॉट वाटर से हम लोग एकदम ही बाहर रहेंगे। वी विल नॉट वॉश अवर हेड विथ हॉट वाटर, चाहे वो विंटर हो, चाहे आपका नहाने का मन ना हो, लेकिन फिर भी आपको हॉट वाटर से हेयर को वॉश नहीं करना है।
अभी आ जाते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. अभी ये सारे मिस्टेक्स हम लोग अगर कंट्रोल करेंगे एंड ये मिस्टेक्स के बाद हम लोग के पास यानी कि शर्वाश्री के पास क्या सोल्यूशन है टू प्रोटेक्ट योर डैमेज्ड हेयर. सो द फर्स्ट मतलब हम लोग शैम्पू एंड ऑयल ये दो चीज तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, वो तो हम लोग का रूटीन है. लेकिन इससे अलावा क्या प्रोडक्ट ऐसा है, क्या प्रोडक्ट शर्वाश्री आपको दे सकता है जिससे आप लोगों का हेयर रिपेयर हो सकता है, हेयर डैमेज रिपेयर कर सकते हैं हम लोग. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो दिमाग में आएंगे यानी कि जो हम लोग को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा इसको शेयर करना चाहिए, ये प्रोडक्ट सभी के घर पे रहना चाहिए क्योंकि इट्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको तीन तरीके की काम देता है. वन प्रोडक्ट एट थ्री डिफरेंट टाइप्स. सो अभी पहला चीज तो है ये आप ये एज अ कंडीशनर आपके हेयर में काम करेंगे एंड द सेकेंड पॉइंट ये एज अ ट्रीटमेंट आपके हेयर में काम करते हैं एंड थर्डली इट ये ऑल्सो स्पा की तरह आपके हेयर में काम करते हैं. सो ये थ्री डिफरेंट काम हम लोग को एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है. सो थ्री डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट है विथ गुडनेस ऑफ कोकोनट एंड जोजोबा ऑयल एंड अलोंग विथ दैट सिल्क प्रोटीन. सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका आपके हेयर के लिए सबसे नीडेड प्रोडक्ट है. आपके हेयर डैमेजेस के लिए यानी कि ब्रेकआउट हो रहा है, आपका हेयर डैमेज हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहा है, हेयर में मॉइस्चर नहीं रिटेन कर पा रहे, हेयर फ्रिजी हो रहा है, डल हो रहा है, रफ दिख रहा है. सो दिस इज द प्रोडक्ट जो आपके मतलब वॉर्डरोब में आपके घर में ये सबसे पहला प्रोडक्ट जो है आपको लेना है अगर आपका डैमेज हेयर को सही करना है. सो इट्स अ प्रोडक्ट. इसका अगर मैं इंग्रेडिएंट्स के बात करूंगी सो इसमें पहला तो है कोकोनट एक्सट्रैक्ट. अभी कोकोनट के बारे में मैं जितना बोलूं वो कम पड़ जाएगा क्योंकि फ्रॉम आवर बॉर्न मतलब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग सुनते थे ये कि कोकोनट ऑयल यानी कि कोकोनट इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर हेयर क्योंकि ये हम लोग का मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं, हम लोग का हेयर का लश्चर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं एंड इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स. स्प्लिट एंड्स को दूर हटाने में हेल्प करते हैं, हेयर का ब्रेकआउट को स्टॉप करते हैं एंड हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड हेयर को लॉन्गर बनाते हैं. सो इसका जितना सारा बेनिफिट्स मैं बताऊँ वही कम हो जाएगा. सो कोकोनट एक्सट्रैक्ट ये प्रोडक्ट में डाला हुआ है. कोकोनट जो हेयर ट्रीटमेंट है इसमें मेन जो तीन इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है वो है फर्स्ट है कोकोनट एक्सट्रैक्ट, सेकंड है जोजोबा एक्सट्रैक्ट. सो जोजोबा एक्सट्रैक्ट का अगर मैं बेनिफिट्स बताऊंगी तो ये डेफिनेटली ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया एक इंग्रेडिएंट्स है एंड नॉट ओनली दैट ये हम लोग का हेयर का जो हाइड्रेशन, हेयर का जो प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं एंड इट्स कंट्रोलिंग आवर फ्रिजी हेयर एंड ये हम लोग का हेयर को एक अल्टीमेट नरिशमेंट देता है जो हम लोग के हेयर को चाहिए. सो हेयर को जो नरिशमेंट, हेयर को जो केराटिन चाहिए होता है वो प्रॉपरली ये मेंटेन करते हैं जोजोबा एक्सट्रैक्ट. सो अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट्स में जोजोबा एंड कोकोनट है तो आपका हेयर का मतलब 90% प्रॉब्लम तभी घट जाएगा. सो एंड 10% प्रॉब्लम तो आपको मतलब ये रूटीन्स को फॉलो करना पड़ेगा और रूटीन्स को मेंटेन करना पड़ेगा. सो एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है सिल्क प्रोटीन जो एक अल्टीमेट प्रोटीन है जो हम लोग का केराटिन जो हम लोग के हेयर से चले जाते हैं यानी कि जो खो जाते हैं केराटिन, वो केराटिन को सही रखने के लिए, वो प्रोटीन की मात्रा को सही रखने के लिए, हम लोग के हेयर को वो सही मात्रा प्रोटीन देने के लिए यहाँ पे सिल्क प्रोटीन भी ऐड किया गया है. सो ये हम लोग के तीन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स ये प्रोडक्ट को और भी अनोखा बनाते हैं. सो ये प्रोडक्ट आपको हर मतलब चाहे स्पेशली फॉर लेडीज ये प्रोडक्ट तो आपको लेना ही है एंड फॉर जेंट्स आल्सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. जैसे हम लोग अभी ये इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं वो बता देती हूँ. सो आफ्टर शैम्पू
भीगे बालों में हम लोग को ये एज अ कंडीशनर अप्लाई करना है हेयर लेंथ में। आप लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये स्कैल्प में ऐड नहीं करना है, स्कैल्प में आपको ये यूज नहीं करना है। अगर आप स्कैल्प में ये यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सिल्क प्रोटीन है, तो ये हम लोग का जो हेयर का फॉलिकल्स है उसको और भी लूज बनाएंगे एंड हेयर फॉल ज्यादा बढ़ेंगे। सो कंडीशनर एक ऐसा चीज है जो कभी भी हम लोग स्कैल्प में यूज नहीं करते हैं। सो इट एक्ट एज अ कंडीशनर, इट एक्ट एज अ स्पा, इट एक्ट एज अ हेयर ट्रीटमेंट। सो अभी ये तीन जो यूजेस है इसका, तो ये प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे भीगे बालों में आफ्टर शैम्पू, जस्ट आफ्टर शैम्पू हम लोग ये प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। 5 to 10 minutes हम लोग रखेंगे एंड उसके बाद हम लोग नॉर्मल पानी से धो लेंगे। सो ये हम लोग हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में आप शैम्पू करके निकल जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये मंथली 2 बार भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर होगा कि आप अगर हफ्ते में एक दिन इसको यूज करें, यानी कि मंथली 4 times अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बट बहुत सारे केसेस में ये भी दिखाई दिया है कि जब भी हम लोग शैम्पू करते हैं तब भी एज अ कंडीशनर ये प्रोडक्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। एज अ रिजल्ट अगर मैं मेरा एग्जाम्पल पकड़ूंगी, सो आई डू दैट, जब भी मैं शैम्पू करती हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट को यूज करती हूँ एज अ कंडीशनर। सो दैट दैट इज ऑल्सो ऑप्शन, आप लोग वो भी कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट मंथली 4 times यूज करना है टू गेट अ प्रॉपर एंड गुड रिजल्ट। सो इससे क्या होगा, इससे आपका हेयर का जो ब्रेकआउट्स है, डैमेजेस है, सारा दूर हटेंगे एंड आपका मॉइस्चर को रिटेन रखेंगे। अभी इसके साथ और एक प्रोडक्ट है जो कि एक यूनिक फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट है, जो कि है हेयर मास्क, यूनिक हर्बल मिक्स। मतलब इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इतने सारे नेचुरल हर्ब्स ऐड किया गया है जो आपके मतलब हेयर को एक अल्टीमेट मतलब मास्क, एक अल्टीमेट चीज, एक अल्टीमेट प्रिकॉशन देने के लिए ये काफी है। सो अ कंप्लीट हेयर एंड स्कैल्प केयर। अभी वो जो प्रोडक्ट था वो आपका हेयर केयर के लिए था, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हेयर एंड स्कैल्प दोनों को सही रखेंगे। सो ये आपका हेयर फॉल को रिड्यूस करेंगे, ये आपका हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे एंड आपको एक सॉफ्ट शाइनी हेल्दी हेयर देंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का जो नेचुरल हेयर है, नेचुरल हेयर को एनहांस करेंगे। सो अभी देख लेते हैं इसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स है। सो इसमें टोटल मतलब टोटल 18 इंग्रेडिएंट्स है। ये 18 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है, ये जो मिक्सचर बनाया गया है, इट्स अ वेरी मतलब यूनिक मिक्स ऑफ एवरी इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि इसमें आमला है, शिकाकाई है, रीठा है, मेथी है, नीम है, ब्राह्मी है, भिंगराज है, त्रिफला है, नगरमोथ है, हल्दी है, जातामंशी है, सुगंधी है, तुलसी है, विमेंशी है, कपूर है, मतलब कर्पूर जो हम लोग बोलते हैं वो है, रतनजोत है। सो ये सारी जो हर्ब्स मतलब एक प्रोडक्ट में मिल रहा है, इट्स अ वाव। मतलब हम लोगों के लिए इट्स अ वाव एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर इंग्रेडिएंट्स मतलब सारा इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग के हेयर के लिए चाहिए होता है वो सारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाला हुआ है। सो इट्स अ वेरी यूनिक मिक्सचर, अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट फॉर योर हेयर। अभी ये पाउडर फॉर्मेट में आता है। सो ये प्रोडक्ट को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, सो ये प्रोडक्ट को हम लोग मंथली 2 times, ये मंथली 2 times से ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, विद इन 15 days 1 time एंड आफ्टर 15 days 1 time। सो मंथली 2 बार हम लोग इसको करेंगे 15 days का गैप में। सो ये प्रोडक्ट एज अ जैसे कि हम लोगों को पता है पाउडर फॉर्मेट में है। सो हम लोग जस्ट नॉर्मल जैसे हम लोग हिना करते हैं वैसे ही ये प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। सो नॉर्मल पानी हम लोग ले लेंगे। अगर आपको नॉर्मल पानी से प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नॉर्मल पानी या फिर आप दही के साथ या फिर आप बहुत सारी चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अनोखे आइडियाज डालते हैं, जैसे कि चाय पत्ती का जो जो रेस्ट मतलब आफ्टर दी
मतलब चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती रहता है वो भी हम लोग डाल देते हैं कभी हिना जब हम लोग करते थे। सो ये सब इनोवेटिव आइडियाज हम लोग डाल सकते हैं, ये हम लोग के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कोई यूज करना चाहते हैं, सो नॉर्मल पानी के साथ आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप कर्ट के साथ एलोवेरा के साथ भी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो आप टेक अ प्रॉपर अमाउंट जो हम लोग के हेयर पे चाहिए, एक बॉल ले लीजिए और उसमें आप ये प्रोडक्ट डाल लीजिए, जितना आपका हेयर लेंथ है, आपका हेयर वॉल्यूम है उसी के हिसाब से, एंड आप ये मिक्स कर लीजिए। एंड आपके स्कैल्प से लेके हेयर लेंथ तक, मतलब यानी कि एंड तक आपको अप्लाई करना है। सो ये स्कैल्प में भी अप्लाई हो सकता है, हेयर लेंथ में भी अप्लाई हो सकता है। सो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करके रखना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वेट फॉर 20 to 30 minutes, एंड फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। सो ये शैम्पू करने से पहले आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू करने के बाद एज अ कंडीशनर, लेकिन ये हेयर मास्क आपको शैम्पू करने से पहले यूज करना चाहिए। एंड ये आप मंथली 2 times यूज कर सकते हैं, इससे आपका स्कैल्प का भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर रहेंगे, एंड आपका हेयर को एक बहुत ही शाइनी एंड सॉफ्ट एंड हेल्दी हेयर्स आप लोगों को मिलेंगे। सो अभी चले जाते हैं लास्ट प्रोडक्ट में, यानी कि हम लोग जो हीट अप्लायंसेस यूज करते हैं, नॉट ओनली हीट अप्लायंसेस, जैसे कि सन एक्सपोजर से हम लोगों का हेयर जो डैमेज होता है उससे अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को, सो दैट इज दिस प्रोडक्ट। सो अभी ये प्रोडक्ट का अगर मैं बात करूंगी तो ये प्रोडक्ट में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है हेयर सीरम में, सो ये हम लोग का मेन इंग्रेडिएंट्स है आर्गन ऑयल। सो आर्गन ऑयल का बात अगर मैं करूंगी, सो आप लोगों को पता है ये हम लोग का मॉइस्चर रिटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, एंड नॉट ओनली दैट ये हम लोग का जो हेयर का जो कटिकल है वो हेयर का कटिकल को सही रखने में हेल्प करते हैं, एंड इट गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज। एंड नॉट ओनली दैट ये हम लोगों का जो भी ब्रेकआउट्स ब्रेकेजेस हो रहा है उससे एक प्रॉपर बैरियर क्रिएट करने का काम करता है आर्गन ऑयल। सो आवर हेयर सीरम इज टोटली अब इसका जो बेस इंग्रेडिएंट्स है उस इसका बेस इंग्रेडिएंट्स ही है आर्गन ऑयल। सो इट्स 100% ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल हेयर सीरम, एंड उसके साथ विटामिन ई का भी गुडनेस डाला हुआ है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो दीज आर दी 3 प्रोडक्ट्स। अभी ये प्रोडक्ट आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर शैम्पू, आफ्टर ड्राइंग योर हेयर, आफ्टर ब्लोइंग योर हेयर, देन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। या फिर अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले हेयर को अगर सेट करना है तब भी हम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूंगी तो हम लोग जब भी स्ट्रेटनर, कर्लर, ट्रिमर, कुछ भी हम लोग क्रिपिंग मशीन, हम लोग कुछ भी अगर यूज करते हैं तो उससे पहले, मतलब वो हीट देने से पहले, ये हम लोग हीट प्रोटेक्टेंट की तरह ये सीरम को यूज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये हम लोग को यूज करना चाहिए फॉर हेयर स्टाइलिंग। सो अभी ये 3 प्रोडक्ट जो है, ये 3 प्रोडक्ट से आपका हेयर डैमेज टोटली स्टॉप हो जाएंगे, आपका जितने सारे हेयर का प्रॉब्लम्स है वो टोटली दूर हटेंगे। सो नाउ यू विल गेट डैमेज फ्री हेयर विद SHPL प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक आज का ये जो वेबिनार रहा, ये वेबिनार कहीं ना कहीं आप लोगों को बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे, एंड नॉट ओनली बिजनेस बढ़ाने में, जिन लोगों का ये डैमेज हेयर का प्रॉब्लम है उन लोगों में तो ये आज ये वेबिनार लाइफ चेंजिंग वेबिनार रहा, क्योंकि बहुत सालों से जूझ रहे हैं हेयर डैमेज के प्रॉब्लम से लेकिन नहीं जा रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है। सो ये वेबिनार आपके लिए था। सो ये 3 प्रोडक्ट, ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, हेयर ट्रीटमेंट एंड उसके बाद हेयर मास्क एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज हेयर सीरम, मतलब आपके शैम्पू एंड ऑयल के साथ ये 3 प्रोडक्ट आपके रूटीन में चाहिए अगर आप आपका हेयर को सही रखना चाहते हैं तो। सो अभी हम लोग चले जाते हैं हम लोग का इंटरेस्टिंग पार्ट में। सो अभी बहुत सारे लोग वीडियोस ऑन थे, बहुत सारे लोग बहुत पहले से यहाँ पे थे। सो एक बार देख लेते हैं, एक्चुअली मैं तो बिजी थी वेबिनार में। सो मैं आज का ये जो मतलब कौन बेस्ट, मतलब कौन किसका वीडियो एंड तक रहा,
ये हम बता नहीं पाएंगे आई थिंक सो सो लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं, दैट इज अगर आप लोगों का कोई सवाल है और अगर आप सही से आपका ड्रेस कोड आप सही जगह पे है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको स्पॉटलाइट कर देंगे एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू अस। ऐसा कोई है, किसी का कोई सवाल है? रेज्ड हैंड्स, ओके, इतने सारे रेज्ड हैंड्स, ओके। अच्छा, तो अजय राज सर के साथ तो पहले भी मुलाकात हुआ था, तो अजय राज सर फिर से रेज हैंड्स किए, तो सर के पास बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे और दो रेज हैंड हुआ है, एक है कुलदीप सर की तरफ से और एक है श्याम गुप्ता सर की तरफ से। सो कुलदीप सर, कैन यू जस्ट ऑन योर वीडियो? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। कैन यू जस्ट ऑन योर वीडियो? ओके, या गुड मॉर्निंग सर। सो बोलिए, आपका क्या सवाल है, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है, आपने जो ये 3 सवालों के लिए बताया है, सर थोड़ा आप जोर से बताइए, आवाज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा जोर से बताइए। यस यस मैम, मेरा नाम कुलदीप सविता है, मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ और अभी ओके, मेरे को हाँ फाइनली ज्वाइन हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके, मुझे 1 हफ्ता हुआ है बस। तो मेरा अच्छा एक ही क्वेश्चन है जी, मेरा एक ही जी, क्वेश्चन है कि आपने जो ये ट्रीटमेंट बताया है बालों के लिए 3 चीज 4 चीज, तो मेरे ऑलरेडी हेयर काफी, मतलब मैं कोई भी शैम्पू लगाऊँ या ऑयल या कंडीशनर का यूज करता हूँ तो मतलब अक्सर वो टूटते रहते हैं, मतलब कोई मतलब फायदा नहीं है, या ये बोले कि मतलब कोई रिलीव नहीं है कि बाल इतना टूट रहे हो, चाहे मतलब मैं कंघा करूं या फिर वॉश करूं या इनको मतलब ड्राई करूं, कुछ भी करूं ऑलरेडी टूटते रहते हैं ये। ओके, तो आप नए हैं इसीलिए शायद आपको अभी तक प्रॉपर मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। सो मैं आपको हेल्प जी जरूर करना चाहती हूँ। आप आज के बाद आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल आपके जी रूटीन में डाल लीजिए। आपको हफ्ते जी में 2 से 3 दिन आपको ऑयल को रात को लगाना है और सो जी जाना है, सुबह उठ के शैम्पू कर लेना है, शर्वाश्री का कोई भी शैम्पू से। अगर आप मेरे से सजेशन मांगेंगे तो आप हम लोग का नीम एंड एलोवेरा जो शैम्पू है आप वो शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप ये जो डैमेज का जितने सारे प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पे शो किया है ये आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप जेंट्स हैं तो हम लोग के पास बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है जेंट्स के लिए, हेयर जेल, एक्स्ट्रा होल्ड हेयर जेल, एलोवेरा जेल, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप आपके रूटीन में आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल और उसके साथ एलोनियम शैम्पू, ये दो चीज आप ऐड कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच कुलदीप जी सर, आपके साथ फिर से जरूर मुलाकात होगा और आप हम लोगों तक जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट आपको क्या रिजल्ट मिले। सो अभी चले जाते हैं नेक्स्ट जो रेज हैंड हुआ था, दैट इज श्याम गुप्ता। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए आपका क्या सवाल है? सर मैम, यही सवाल है कि मेरा भी बाल है वो आगे से क्या है कि झड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पूरा करके एकदम पतला हो गया है, इसको फिर अच्छा, से बाल को अच्छा से लाना है, इसके लिए क्या सा कौन सा हेयर ऑयल चलेगा? अब ऐसे हम हेयर ऑयल जो है अपना लगा रहे हैं, न्यूसमेंट जो हेयर ऑयल है 350 वाली 200 ml का वो वाला लगा रहे हैं, बट इससे आप कुछ अभी आपके लिए आप रेड ऑनियन या फिर एलोपिक्स, ये दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या एलोपेशिया है? नहीं, एलोपेशिया नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप रेड ऑनियन को यूज कीजिए एंड वो प्रॉपर तरीके से आप यूज कीजिए। आपका जो आप अभी नेचुरल हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं शायद, हाँ, तो नहीं। अभी ये खत्म हो जाने के बाद आप जरूर नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो रेड ऑनियन ले लीजिएगा और उसके साथ आप प्रॉपर डेकोर मेंटेन करके हम लोग का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपका जो हेयर का प्रॉब्लम है ये घट जाएंगे टोटली। और शैम्पू में कौन सा शैम्पू मैम?
शैम्पू आप जिंजर शैम्पू ले सकते हैं, आप शर्वाशी शैम्पू ले सकते हैं, आप एलोनीम ले सकते हैं, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका स्कैल्प का और कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ हेयर फॉल का ही इश्यू है, तो आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मतलब योर चॉइस, मतलब आपका जो पसंद है। जैसे कि हम लोग के पास टोटल 6 तरीके की शैम्पू है, तो आप कोई एक शैम्पू आप ले सकते हैं। मैंने आपके पास 3 ऑप्शंस दिया, हम लोग का जिंजर शैम्पू, शर्वाशी शैम्पू, एलोनिंग शैम्पू, ये 3 शैम्पू में से, या फिर ग्रीन एप्पल शैम्पू भी है, तो आप ये 4 शैम्पू में से कोई एक शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी और कोई है? ओके, एमडी शादिक, ओके आपने रेज हैंड किए हैं। ओके, श्याम गुप्ता सर तो ऑलरेडी हो गया सर का सवाल, तो अभी एमडी शादिक सर जो थे, अगर अच्छा फिर से रेज हैंड हो रहा है, 3 रेज हैंड्स अभी है हम लोग के पास, हम लोग आएंगे सबके पास। सो अभी अब एमडी शादिक सर के पास चले जाते हैं, सर का वीडियो ऑन है। जी सर बोलिए, आपका सवाल क्या है? हेलो, हाँ जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है, जो बाल है हमारे थोड़े बहुत झड़ रहे हैं, और जो है तेल और शैम्पू तो यूज अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते से, कौन सा तेल और शैम्पू यूज करना आप बता दीजिए थोड़ा। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आपका प्रॉब्लम भी सेम है। सो आपको रेड ऑनियन हेयर ऑयल और उसके साथ आप एलुमिनियम शैम्पू यूज कीजिए फिलहाल, क्योंकि आपने कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट विद रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ हम लोग के जो नीम एंड एलोवेरा शैम्पू। और फेस के लिए? आज तो फेस का वेबिनार नहीं है, आज हेयर का वेबिनार है, तो जब फेस का वेबिनार रहेगा तब आपका सवाल लिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अभी जी अजय सर की तरफ से, और ये 332 हैश जो नाम है, सो सर आपका नाम वहां पे मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आपका नाम नहीं रहेंगे तो मैं अनाउंस नहीं कर पाऊंगी। सो जी अजय राज सर का एक सवाल है शायद, सो जी सर बोलिए, आपका क्या सवाल है? तमाम लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम हुआ अजय कुमार और मैं सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ, बिहार। जी आपका सवाल क्या है बोलिए सर। मेरा सवाल ये की है कि हमने एक महिला को जो है कि रेड ऑनियन दिया और तेल तो शैम्पू जिंजर शैम्पू दिया था, बट उसका जो है कि हमें रिजल्ट 100% अभी नहीं मिला है, लेकिन अच्छा। जिंजर शैम्पू लगाता है तो बोलता है कि लगभग थोड़ा रुकता है। ओके, हम बोलते हैं कि आपको जो है कि कम से कम जो है कि जांच कराना है, थायराइड जांच करा लेना होगा, तो हम थायराइड के लिए बोल दिए, और दूसरा है कि उसको गैस बनता है, ठीक है, तो हमें कम्प्लीटली इसका जानकारी आप दीजिए। जी तो जैसे कि आपका आंसर आप ही के सवाल में थे, आपने बोला कि उनका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम अगर इंटरनली है तो आप बाहरी हिस्से से जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए, वो काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप जैसे कि रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड जिंजर शैम्पू दिए हैं, तो आप कितना दिनों से वो इस्तेमाल कर रही वो लेडी? लगभग 1 महीने। 1 महीने हुआ है। सो हम लोग बोलते हैं कि यू हैव टू यूज इट रेगुलरली, और हफ्ते में वो 2 से 3 दिन यूज कर रहे हैं या नहीं, ये आप एक बार जानकारी ले लीजिए। एंड रेड ऑनियन हेयर ऑयल और जिंजर शैम्पू, ये 2 एकदम सही प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये 2 प्रोडक्ट ऐसा ही रहेंगे। एंड इसके साथ आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, और उनका जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो इंटरनल प्रॉब्लम पहले हटाना होगा। और इसके साथ आप हेयर के लिए सप्लीमेंट्स, हम लोग के पास बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स है, जैसे कि आमला है, व्हीट ग्रास है, तो ये 2 प्रोडक्ट में कोई एक प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। आमला या व्हीट ग्रास? ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी सर का नेम चेंज नहीं हुआ है, सो हाय सर, आपका नेम, आप अभी स्पॉटलाइटेड हो,
सो आपका नेम वहाँ पे मेंशन नहीं है. हेलो, आप आपका नेम बताएंगे जरा? नाम कांति भाई. अच्छा, ओके, कांति भाई इज योर नेम. ओके जी सर, बोलिए आपका क्या सवाल है. बोलिए. मेरे को ये जो कोरोना आया था, कोरोना जी, तो उसके दो मंथ हॉस्पिटल में रहा और दो मंथ घर पे ऑक्सीजन लेना पड़ा. Okay. उसके बाद थोड़ा रिकवरी तो शरीर में आया, लेकिन ये दोनों बाजू, ये दोनों कंधा दुखता है. सर ये तो हेल्थ ओरिएंटेड प्रॉब्लम है. नहीं नहीं, आपके पास जानना चाहता हूँ, उसके लिए आपके पास तो कुछ होगा ना. नहीं नहीं नहीं, जरूर प्रोडक्ट है, लेकिन ये हेल्थ सेगमेंट है और मैं ब्यूटी ट्रेनर हूँ. सो आई थिंक ये आपको हेल्थ ट्रेनर के साथ बात करना पड़ेगा. आप ये मंगलवार जो होता है हम लोग का वेबिनार, ट्यूजडे को जो कल को हुआ था, रिद्धि मैम आते थे, राइट? सो आप उनके साथ एक बार बात करके आपका जो प्रॉब्लम है इसका आप सलाह ले लीजिएगा. अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर. सो सोनू सर ने फिर से रेज हैंड किया, तो सोनू सर का क्या सवाल है एक बार देख लेते हैं. जी सर, बोलिए आपका क्या सवाल है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई होप कि मेरी आवाज सभी को आ रही प्रॉपर्ली. जी आपका सवाल बोलिए सर. मैम मैं पूछ रहा था कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, अभी लगभग 14-15 साल के या कुछ 16 साल के, उनके हेयर व्हाइट हो, उनको परमानेंटली ऐसा तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वो एक उम्र के बाद यदि व्हाइट होता तो चलता है, बट वो कम उम्र में हो रहा है तो उसको मैं रोकना चाहिए. बिल्कुल, प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इससे मतलब बाहर आने के लिए अभी इसका तो बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन अगर वो रीजन मतलब जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी नहीं है या फिर ऐसे ही हो रहा है, तो हम लोग के पास हम लोग प्रिकॉशन दे सकते हैं. जैसे हम लोग का जो 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल, वो हम लोग देंगे, और उसके साथ हम लोग नोनी ब्लैक शैम्पू हम लोग देंगे. सो ये दो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करके हम लोग देंगे हफ्ते में 2-3 दिन 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल, और उसके बाद नोनी ब्लैक शैम्पू से शैम्पू करना है. सो ये कंटिन्यू हम लोग दो प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. और कोई सवाल सर? नो मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच सर. सो आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं है, और कोई रेज हैंड्स मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को एक चीज का अभी अफसोस हो रहा है कि कोई लेडीज का रेज हैंड नहीं हुआ है. दो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स इन एवरी लेडीज, लेकिन लेडीज में से कोई रेज हैंड्स नहीं हो रहा है. सो इससे ये भी चीज पता चलता है कि मेंस आर नाउ जस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स मोर, ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मोर देन लेडीज, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द जेंट्स. सो सब लोग मुस्कुरा भी रहे हैं. सो और एक रेज हैंड हुआ है. सो अमन जी, अमन जी कैन यू प्लीज जस्ट आपका जो वीडियो है वो ऑन कर सकते हैं. आप रेज हैंड कर चुके हैं, तो अगर आप सामने आना चाहते हैं तो प्लीज आपका वीडियो को ऑन रखिए. नो, ओके, तो फिर गलती से शायद उनका रेज हैंड हो गया है. सो यहाँ पे 2-3 सवाल है मैडम लोग, सवाल क्या है. सो एक बार सवाल पे चले जाते हैं. सो टिंकू चक्रवर्ती मैडम का एक सवाल है, मैम कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट से क्या हेयर स्पा कर सकती हूँ? या डेफिनेटली इट्स अ स्पा ट्रीटमेंट, सो कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट से आप जरूर स्पा कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट को एज अ स्पा ट्रीटमेंट आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे पवन कुमार जी का एक सवाल था, तो वो सवाल का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया जब सोनू सर ने यहाँ पे आए थे. सोनू सर ने सवाल किया था कि सफेद बाल उम्र से पहले, तो इसका क्या सलूशन है. तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर इज आल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन इश्यूज. सो अगर आप लोग चाहते हैं तो ये टॉपिक को लेके भी एक दिन स्पेशल वेबिनार मैं करूंगी जरूर, क्योंकि प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवेयर. सो आई थिंक और कोई सवाल नहीं है, तो आज का वेबिनार. मैम किसी किसी को दो मुहे बाल का भी प्रॉब्लम होता है. सो ये जो स्प्लिट एंड्स, आज मेरा सारा प्रोडक्ट के बाद ये एक ही सोल्यूशन था कि स्प्लिट एंड्स से प्रिवेंट होगा,
तो आज ये जितनी सारी प्रोडक्ट्स मैंने शो किया आप लोगों के सामने, मैंने शेयर किया, वो सारे प्रोडक्ट्स स्प्लिट इंक से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये श्रद्धा भोईनार मैडम का एक सवाल था कि स्प्लिट इंक से यानी कि दू मुहा बाल को कैसे रुखे हम लोग। सो ये आपका आंसर है कि आज का जितने सारे प्रोडक्ट्स था उतने सारे प्रोडक्ट्स आपके स्प्लिट इंक को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्प्लिट इंक से आपको मतलब एकदम टोटल सॉल्यूशन मिल सकता है। सो यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट। सो एज है 33। सो एज है 33। सफेद बालों के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें? सो 33 इट्स एनफ एज टू जस्ट ग्रेइंग योर हेयर। सो 33 इट्स नॉट प्रीमैच्योर ग्रेइंग। सो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर एंड मैच्योर ग्रेइंग हेयर में डिफरेंस होता है। सो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर ये नहीं है, अगर आपका उम्र 33 है इट्स नॉट प्रीमैच्योर, तो आप वो दो प्रोडक्ट से आपका काम कभी भी नहीं होगा। सो प्रीमैच्योर हम लोग वो टाइम को कह सकते हैं जो 18 से लेके 25 यानी कि 28 तक भी है जिनका उम्र, उनको हम लोग बता सकते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर। सो आई थिंक इट्स ऑल डन, और किसी का कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, आप इतना टाइम से यहाँ पे रहने के लिए, जुड़े हुए रहने के लिए। सो आप लोग ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए, कीप अस सपोर्टिंग। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है आज वाव वेडनेसडे है। सो वाव वेडनेसडे का आप लोगों को पता है शाम का एक जबरदस्त वेबिनार रहता है। सो जस्ट वेट फॉर इट, आपका आपके पास उसका पोस्टर एंड उनका लिंक मिल जाएंगे सभी के पास ये वेबिनार खत्म होने के बाद। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, एंड आज शाम के लिए फिर से तैयार हो जाइए। शाम का वाव वेडनेसडे वेबिनार में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगा शर्वाश्री का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, एंड फिर से आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा कोई और वेबिनार में। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे।